हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेंद्र साहू। यूट्यूब के इस चैनल डी के मैथ्स ट्यूटर में आपका स्वागत है। आज हम जो नया चैप्टर स्टार्ट किए हैं एक्सपांसन एंड पावर सीरीज़, उनका ये जो है जस्ट सेकंड लेक्चर होने वाला है और इसके अंदर हम हैडमार्ट फार्मूला जैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, एग्जाम्पल्स देखेंगे, पावर सीरीज़ के जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है वो कैसे निकालते हैं वो हम जानेंगे, क्योंकि वहाँ से रिलेटेड IIT जेम हो, चाहे नेट के एग्जामिनेशन हो, चाहे सेट हो, वहाँ क्वेश्चन जरूर आता है, तो हम देखेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं कहूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहला है हैडमार्ट फार्मूला। हैडमार्ट फार्मूला जो होता है इसके अंदर दो अलग अलग तरीके होते हैं। अब इससे पहले भी कि आप इस चीज़ को समझें, क्लियर करें, आपको लिमिट सुपीरियर का कॉन्सेप्ट जानना होगा। लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर के बारे में आप बेसिकली आप जानते हैं कि द ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट ऑफ एनी सीक्वेंस इज कॉल्ड लिमिट सुपीरियर एंड द स्मॉलेस्ट लिमिट पॉइंट ऑफ एनी सीक्वेंस इज कॉल्ड लिमिट इन्फीरियर। याद, इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो लिमिट सुपीरियर की खास बात ये होती है कि हम इसमें इन्फिनिटी को भी इंक्लूड करते हैं, ठीक है। और मैंने रियल के बेस पे ये कॉन्सेप्ट बताया था तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिए, प्लेलिस्ट में आप जाइए और सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स करके मैंने प्लेलिस्ट बनाया है, उसमें आपको लिमिट सुपीरियर एंड इन्फीरियर का कॉन्सेप्ट का आपको मिल जाएगा, क्लियर है। तो कंटिन्यू करेंगे इसको। आप देखिए, मैंने क्या लिया, एक पावर सीरीज़ लिया। इस पावर सीरीज़ की R को मैंने मान लिया रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है। अब ये जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है उनके लिए डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर दो अलग अलग कंडीशंस में लिखा गया। केस वन, वन अपॉन R इक्वल टू लिमिट सुपीरियर मॉड ऑफ n होल पावर 1/n, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, जब भी क्वेश्चन दिया हुआ है, मॉड ऑफ, सबसे पहले तो आप n की मॉडुलस निकालिए, मॉडुलस के बाद उसका पावर n कीजिए, फिर उनका लिमिट सुपीरियर देखिए, उनका ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट देखिए, क्लियर है, ठीक। तो ये क्या होगा, आपका लिमिट सुपीरियर इनका और जो भी निकल के सामने आएगा उनका रिसिप्रोकल कर दीजिए, वही होगा ROC, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट। अगर पॉसिबल है इस फॉर्मेट में जमाना, इस फॉर्मेट में अगर अरेंज करना पॉसिबल है तो आप ऐसा अरेंज कीजिए और फिर लिमिट सुपीरियर देखिए और उनका क्या कर दीजिए, रिसिप्रोकल कर दीजिए 1/n करके, तो ये हो जाएगा आपका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। कन्फर्म है ये दोनों फार्मूला, बिल्कुल आपको रट लेना है, क्लियर कर लेना है, ठीक। अब आते हैं इन पर बेस्ड एग्जांपल्स पे। तो सबसे पहले ये जो है, याद रखिए, ये जब अप्लाई नहीं होता उस सिचुएशन में इनको हम अप्लाई करते हैं, तो कैसे, है ना। तो जो भी पावर सीरीज दिया है पहले तो उसमें एन फाइंड करने आना चाहिए, ठीक है। पहले मैं जैसे सिंपल क्वेश्चंस पे ले लूँ एग्जांपल्स पहला। अब देखिए, जो भी हमें मुझे सीरीज दिया हुआ है, सीरीज क्वेश्चन के फॉर्मेट में लिख रहा हूँ, फाइंड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज समेशन जेड पावर n, ये मुझे दिया हुआ है। अब इस सिचुएशन में कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखिए, यहाँ पर जो पॉइंट है जिसके अबाउट है वो क्या है, ज़ीरो है, ये देख के समझ आ रहा है। और यहाँ पर n क्या है, आपका n पता चलता है, तो आपको कंपेरिजन किससे करना है, n जेड पावर n से कंपेरिजन करना है, ठीक है। तो हियर n इक्वल्स टू 1, क्लियर हो रहा है, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको जो भी दिया उस पर पहले देख लो जेड नॉट क्या है, जेड नॉट पता चल गया तो उसके अराउंड, उसके हिसाब से आप क्या ले लीजिए, फार्मूला ले लीजिए, उनसे आप इनको कंपेरिजन कीजिए, तो n इक्वल टू क्या मिला, 1, कन्फर्म। अब आपका जो फार्मूला है, तो चूंकि यहाँ पर दोनों पॉसिबल है, कोई भी दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं, केस 1 चाहे केस 2, केस 1 के अबाउट अगर हम देखें तो मॉड ऑफ n कीजिए तो भी 1 आएगा। यह मॉड का जो है महत्व है, यहाँ पर मॉड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले है, क्योंकि यहाँ पर जैसे माइनस 1 रहता तो मॉड लगोगे तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस में ही आना चाहिए, ये वाला कंडीशन हो रहा है। और दूसरा कंडीशन कि मॉड मान लो आयोटा है, तो आयोटा है या कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, मॉड में वो भी हट जाएगा, ठीक है, बिकॉज वी नो दैट ए प्लस आई बी का मॉडुलस होता है रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कन्फर्म। तो ये हुआ, इसके बाद मॉड ऑफ एन पावर 1/n कीजिए, तो 1 पावर 1/n, इससे कोई इफेक्ट तो पड़ना नहीं, ये हो गया। अब लिमिट सुपीरियर, अब ये जो मॉड ऑफ एन का होल पावर 1/n है, ये 1 है, ये अपने आप में एक सीक्वेंस है, और कैसा सीक्वेंस है, कांस्टेंट सीक्वेंस है, तो इसके अंदर एक ही लिमिट है, वो है 1, और वही लिमिट पॉइंट, एवरी लिमिट इज लिमिट पॉइंट, 1 लिमिट पॉइंट है, और वही ग्रेटेस्ट हुआ। इन केस ऑफ कन्वर्जेंट जो भी लिमिट होता है वही लिमिट पॉइंट होता है, और चूंकि वहाँ एक ही होता है तो लिमिट सुपीरियर इन्फीरियर वही होता है, तो फिर यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 1, और ये 1/r के इक्वल होता है अकॉर्डिंग टू द फार्मूला। अब इनका रिसिप्रोकल कीजिए, तो रिसिप्रोकल करेंगे तो मिलेगा r इक्वल टू 1/1, दैट इज़ 1,
तो ये आर जो है वन है, ठीक है। तो ज़ीरो पर सेंटर्ड पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में, ऑरिजिन पर सेंटर्ड वन रेडियस का, ये हमारा क्या है डीओडी डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस बनेगा। इसके अंदर जो है सीरीज जो है कन्वर्जेंट है, क्लियर हुआ। और साथ ही साथ ये जो वन है वो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है आरओसी। थोड़ा लेवल बढ़ा रहा हूँ क्वेश्चन का। क्वेश्चन में यहाँ पर ये दे दिया गया है, बढ़ गया लेवल। जेड पावर फैक्टोरियल एन, यहाँ भी अराउंड जीरो है, देख के समझ आया अराउंड जीरो है, तो कंपेरिजन इसी से करेंगे। तो यहाँ पर जेड पावर फैक्टोरियल एन है, तो डायरेक्ट चूंकि यहाँ एन रहता है, एन रहता है तो डायरेक्टली आप एन इक्वल टू वन करके कॉफिशियंट को आप कह दिए, लेकिन यहाँ जेड पावर फैक्टोरियल एन है तो डायरेक्ट आप कैसे बोलेंगे। तो इसको क्या कीजिए, आप ब्रेक कीजिए, सबसे बेहतरीन है कि आप इसको ब्रेक कीजिए। जब ब्रेक करेंगे, ठीक है, एन इक्वल टू, तो ये जो है स्टार्ट हो रहा है एन इक्वल टू लाइक वन से स्टार्ट हो रहा है, वन टू इन्फिनिटी, तो ये होगा वन टू इन्फिनिटी, तो उसके अकॉर्डिंगली इसको कंपेरिजन करना है, ठीक है। तो ये इक्वल टू दिस, अब ये तोड़िए, तो z पावर फैक्टोरियल 1 प्लस z पावर फैक्टोरियल 2 प्लस z पावर फैक्टोरियल 3 प्लस z पावर फैक्टोरियल 4 प्लस एंड सो ऑन। z पावर 1 यानी कि z पावर 2 z पावर 6 z पावर ये हो जाएगा 24 एंड सो ऑन। तो ये आपको दिया हुआ है, आपको पता है अगर इनको मैं ब्रेक करूं तो ए वन जेड प्लस ए टू जेड स्क्वायर प्लस एस थ्री जेड क्यूब ए फोर जेड पावर 4 ऐसे लाइन से बढ़ेगा। तो उसमें देख सकते हो ए वन जेड ए टू जेड स्क्वायर ए सिक्स जेड पावर 6 है ना। अगर हम इसको तोड़ें तो आपको पता चलेगा ए वन जेड ए टू जेड स्क्वायर प्लस ए थ्री जेड क्यूब है ना, ऐसे हो रहा है। तो ये जो ए वन है वन है, ठीक है, ए टू है टू है, अब ए सिक्स जो होगा वो वन है, ठीक है। ए वन वन, ए टू भी वन, ए सिक्स होगा वो भी वन, ए ट्वेंटी फोर होगा वो भी वन, ये सिचुएशन हो रहा है। तो हियर ए एन इक्वल्स टू है ना, ए एन इक्वल्स टू अगर हम देखें तो मिल क्या रहा है वन, और बाकी सिचुएशन में तो ज़ीरो है ना भाई, है ना। ए थ्री का कोफिशेंट तो ज़ीरो है, ए फोर का कोफिशेंट ज़ीरो है। तो ये हुआ कब कब, जब आप ले रहे एन इक्वल टू वन, जब एन इक्वल टू होता है फैक्टोरियल के, के इक्वल टू वन टू थ्री एंड सो ऑन, सबसे बेस्ट तरीका है। और अदरवाइज अदरवाइज क्लियर हुआ। तो यहाँ से पता चल रहा है वन और ज़ीरो, एन इक्वल टू फैक्टोरियल के मतलब एन इक्वल टू जब वन रखेंगे है ना, तो क्या होगा ए वन वन होगा। अब जब टू रखेंगे, देखिए एन इक्वल टू फैक्टोरियल टू तब ए टू वन होगा, जब k इक्वल टू थ्री रखेंगे तो क्या होगा यहाँ पर फैक्टोरियल थ्री, फैक्टोरियल थ्री के केस में a थ्री क्या होगा यहाँ पर, इस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली पता चल रहा है आपको कि यहाँ पर a थ्री तो ज़ीरो होगा, क्या क्योंकि अभी इसमें थ्री आएगा नहीं, तो यहाँ पर क्या क्या आएगा, वन आएगा, टू आएगा, सिक्स आएगा, ट्वेंटी फोर आएगा। तो ये पहले वाले केस में पूरा ये आ रहे हैं, तो इनके कोफिशेंट वन है, ये सब के सब कंडीशन हुआ, अदरवाइज बाकी क्या है ज़ीरो। आई होप पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, है ना। तो ये चीज़ है। अब यहाँ पर अगर मैं मॉड ऑफ एन करूँ तो ये होगा वन ज़ीरो, मॉड वन दैट इज़ वन, ज़ीरो का भी सेम, और ये ज्यो का त्यो कंडीशन। अगर इसका पावर वन बाई एन कर दूँ तो वन पावर वन बाई एन ज़ीरो, कोई दिक्कत नहीं, ज्यो का त्यों आएगा। तो ये हमारा है। अब देखिए ये इन्फिनाइटली मेनी टर्म्स के लिए वन आ रहा है, इन्फिनाइटली मेनी टर्म्स के लिए ज़ीरो आ रहा है। तो इन्फिनाइटली मेनी टर्म्स के लिए वन आने का मतलब यही है कि वन लिमिट पॉइंट है इस सीक्वेंस का, ये तो भी एक सीक्वेंस है ना, तो इस सीक्वेंस का वन और जीरो, और जीरो भी इन्फिनिटी मेनी टाइम्स के लिए आ रहा है, तो वन भी लिमिट पॉइंट है, जीरो भी लिमिट पॉइंट है। देयर आर टू लिमिट पॉइंट्स नेमली वन एंड जीरो, एंड इन विच वन इज ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट। ऑब्वियस दो टू लिमिट पॉइंट है वन और जीरो, तो ग्रेटेस्ट कौन है, वन ना। सो ये हो जाएगा लिमिट सुपीरियर मॉड ऑफ एन पावर वन बाई एन इक्वल्स टू वन, ये वन बाई आर, ये आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा वन। कन्फर्म हुआ, डाउट होता है नीचे बिल्कुल आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं डाउट को क्लियर करूंगा। तो ये हो गया कन्फर्म, इसी तरह से आप चेंज करके देखते जाइए, बनाते जाइए, कोई भी प्रॉब्लम होता है आप कमेंट कर सकते हैं। अब सेकंड वाला फार्मूला इसमें एप्लीकेबल नहीं था, क्यों नहीं था, क्योंकि यहाँ ज़ीरो है, मैं कैसे डिफाइन करता। तो ये भी आप ध्यान रखिए ना, क्वेश्चन चेंज करते हैं। तो मैंने लिया नेक्स्ट क्वेश्चन ई टू द पावर एन, और यहाँ पर है z माइनस वन होल पावर n, ये हमें पावर सीरीज दिया हुआ है, वन के अबाउट दिया हुआ है, ठीक है। अब ये ज़ीरो टू इन्फिनिटी दे दिया है। अब इसमें जब भी ऐसा सिचुएशन आए
जिसमें सेकंड वाला कंडीशन डिफाइन होता है, तो आप देख करके डायरेक्ट हियर करके लिखिए, हियर एन इक्वल्स टू टू द पावर एन, एन प्लस वन इक्वल टू टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस, ये होगा उसके बाद एन प्लस वन अपॉन एन, तो ई टू द पावर एन प्लस वन अपॉन ई टू द पावर एन, ई टू द पावर एन डॉट ई अपॉन ई टू द पावर एन ई। अब लिमिट सुपीरियर अगर निकालेंगे मॉड एन प्लस वन अपॉन एन का, अब ये एक कांस्टेंट सीक्वेंस हो गया, कांस्टेंट सीक्वेंस इनकी जो मॉड करने पर ई ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इनकी जो लिमिट है वही है, एवरी लिमिट इज लिमिट पॉइंट, और यही हमारा लिमिट सुपीरियर इनफीरियर दोनों होगा, सुपीरियर है हाँ, तो ये ई हो गया, आर होगा वन बाई ई कन्फर्म। इसी में आप चेंज करके आप नया क्वेश्चन लॉग एन ले सकते हो, लॉग एन लोगे तो उनके हिसाब से होगा, तो लॉग एन लोगे तो यहाँ पर लॉग एन होगा और ये लॉग एन प्लस वन होगा, ठीक है। फार्मूला यहाँ पर वो तो सेम रहेगा बट वैल्यूज अलग अलग होंगे, लॉग एन प्लस वन अपॉन लॉग एन। तो यहाँ जो है इन दिस सिचुएशन लिमिट सुपीरियर, तो मैं डायरेक्ट लिमिट लिख रहा हूँ, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, मॉड से कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, लॉग एन प्लस वन अपॉन लॉग एन। एक चीज़ याद रखिए, आप डायरेक्ट लिमिट भी निकाल सकते हो, बट डायरेक्ट लिमिट जब निकालते हो तो लिमिट एग्जिस्ट कर जाता है, तो जैसे इससे पहले वाले केस में वन और जीरो था, तो डायरेक्ट लिमिट आप निकाल ही नहीं सकते, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा वहाँ पर, ठीक है। तो याद रखिए डायरेक्ट लिमिट जब निकलता है तो वो यूनिक होता है, लिमिट इज ऑलवेज यूनिक, तो वो लिमिट ही लिमिट पॉइंट होता है, तो उस समय वही सुपीरियर होता है वही इन्फीरियर होता है, तो उस समय डायरेक्ट सुपीरियर आप बता देते हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप लिमिट ही निकालें, ये भी ध्यान रखिए। तो है ना, ये कंडीशन है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे क्लियर होगा। तो मैं लिमिट निकाल रहा हूँ क्योंकि पॉसिबल है निकालना, ओके। तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, अब ये इन्फिनिटी बट इन्फिनिटी का सिचुएशन, दैट इज एल हॉस्पिटल रूल। सो वन अपॉन ऊपर का कीजिए वन अपॉन एन प्लस वन और नीचे का वन बाई एन, तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी वन अपॉन एन प्लस वन इंटू एन। अब यहाँ से अगर मैं देखूँ एन टेंस टू इन्फिनिटी, एन कॉमन निकालिए, वन प्लस वन बाई एन ए कैंसिल, तो वन अपॉन वन प्लस जीरो क्या मिला, वन, यही हमारा है वन बाई एन, आर आर इक्वल टू हो गया वन, वन है हमारा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ दिस गिवन सीरीज, क्लियर। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्ट होते चले जाएंगे, तो प्रैक्टिस आपको ज़रूर करना है। तो ये क्लियर हुआ, अब हम देखेंगे कुछ ऐसा चीज़, देखिए ये था रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, लेकिन क्वेश्चन में हमें ऐसा दिया हुआ है कि डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करना है, तो उनके लिए क्या फार्मूला होता है वो देखते हैं। नोट, लेट समेशन एन जेड माइनस जेड नॉट होल पावर एन बी पावर सीरीज, देन फॉर डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस वी हैव मॉड ऑफ यू एन प्लस वन अपॉन यू एन लेस देन वन, वेयर या हियर यू एन इक्वल्स टू ए एन जेड माइनस जेड नॉट होल पावर एन, ठीक है। ये जो फार्मूला है इनकी सबसे खासियत ये है कि डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड हो जाता है, जो भी आपको पावर सीरीज दिया है इनकम्प्लीट, इसको क्या मानना है आपको, यू एन मानना है, फिर यू एन प्लस वन निकालना है, फिर आप फॉर डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस आप ये लेकर चलेंगे, ये लेकर चलते 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 आपको डोमेन मिल जाएगा, ठीक है, वो डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस होगा। और सबसे खास बात ये है कि डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस तो मिलेगा ही, साथ ही साथ आपको रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का भी पता लग जाएगा, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए एग्जांपल देखिए, इनसे रिलेटेड दो तीन बार क्वेश्चंस तो नेट में आया ही स्टार्टिंग में, है ना, तो जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो उस समय उस क्वेश्चन को लूँगा। अभी फिलहाल आप इनसे रिलेटेड कुछ नए एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए, है ना। एग्जाम्पल्स है, जैसे मैंने लिया, हमें कोई सीरीज़ दिया हुआ है, सीरीज़ ए एन, तो ए एन ना लिख करके मैं कुछ वैल्यू ले लेता हूँ, टू पावर एन जेड माइनस वन, ठीक है, होल पावर एन। अब आपको क्या बोला गया है कि इनकी आपको डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है ना, तो आप क्या लिखना, फॉर डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस, फॉर डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस वी हैव, सबसे पहले तो आप यू एन आप मान लीजिए, टू टू द पावर एन जेड माइनस वन होल पावर एन, ये आपने ले लिया, तो यू एन प्लस वन क्या हो जाएगा, टू टू द पावर एन प्लस वन जेड माइनस वन होल पावर एन प्लस वन, ठीक है। डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस के लिए आप क्या लेकर चलते हो, मॉड ऑफ यू एन प्लस वन अपॉन यू एन लेस देन वन, ठीक। अब वैल्यू पुट करना है, टू टू द पावर एन प्लस वन इंटू जेड माइनस वन होल पावर एन प्लस वन अपॉन 2 टू दी पावर एन इंटू जेड माइनस वन होल पावर एन लेस देन वन, ओके। अब यहाँ देख के समझ आ रहा है, 2 पावर एन इंटू टू और
जेड माइनस वन होल पावर एन इंटू जेड माइनस वन अपॉन टू पावर एन इंटू जेड माइनस वन होल पावर एन। तो यहाँ से देखिए ये वाला वैल्यू इनसे कैंसिल और ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, जो बचा उसको लिखना है ना। तो फिर ये होगा, अब 2 का मॉडुलस से कोई वो नहीं है, है ना, 2 मॉड ऑफ जेड माइनस वन लेस देन वन, क्लियर हुआ। 2 मॉड ऑफ 2 होता है ना भाई, मॉड ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव वैल्यू, ये हमेशा याद रखिए। 2 अलग, मॉड ऑफ जेड माइनस वन लेस देन वन, तो मॉड ऑफ जेड माइनस वन लेस देन हाफ। अब ये क्या है, यही तो डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस है। तो विच इज डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस एंड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, ये हमारा है हाफ, 1/2। कन्फर्म, मैंने ये कहा था ना कि डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस तो मिलेगा ही, साथ ही आपको ये भी फाइंड हो जाएगा, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस भी। ठीक है, कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन जैसे इसमें आ सकता है। तो इसमें मैंने क्या किया, थोड़ा सा चेंज किया यहाँ पर, है ना, इसको और भी कर देते हैं ये, तो मैंने चेंज कर दिया थोड़ा सा। तो इस पर, इस सिचुएशन में क्या आता है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस और डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस, वो देखिए। तो यू एन इक्वल टू, ये पूरा कंप्लीट मानना है, ठीक। अब इसको क्या करते हैं, फॉर कन्वीनियंस 3 to the power n जेड पावर एन कर दिया। अब यहाँ पर आप गौर कर पा रहे हैं, जेड इक्वल्स टू है जेड माइनस आई होल पावर एन, क्लियर। अब डायरेक्ट बनाते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम नहीं मतलब बनाने में थोड़ा सा डिफिकल्टी फील होगा, तो उससे बेहतर है कि हम इसको फॉर कन्वीनियंस हमने कैपिटल जेड ले लिए, जेड माइनस ए होल स्क्वायर को नाम दे दिया कैपिटल जेड। अब ये हमारा यू एन है, तो यू एन प्लस वन क्या होगा, 3 to the power n + 1 इंटू जेड टू द पावर एन प्लस वन। अब बनाने में आसानियाँ हैं, तो यहाँ पर मॉड ऑफ 3 to the power n + 1 जेड टू द पावर एन प्लस वन अपॉन 3 to the power n इंटू जेड टू द पावर एन लेस देन वन। तो मॉड ऑफ यहाँ पर 3 to the power n इंटू 3 मॉड ऑफ, अब ये जेड पावर एन डॉट जेड अपॉन 3 to the power n जेड पावर एन, ये इनसे कैंसिल, ये इनसे कैंसिल, लेस देन वन। तो ये होगा 3 बाहर, क्योंकि मॉड है, मॉड से कोई इफेक्ट तो पड़ना नहीं है, पॉजिटिव है 3 जो है। तो ये हो गया मॉड ऑफ जेड लेस देन 1/3। अब जेड की वैल्यू हम वापस कर लेते हैं, जेड की वैल्यू है जेड माइनस आई का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये होगा मॉड ऑफ जेड माइनस आई, ये वैल्यू है ना होल स्क्वायर, सॉरी ये होल स्क्वायर है, है ना, जेड माइनस आई के होल स्क्वायर को हमने कैपिटल जेड माना ना। तो ये होगा जेड स्क्वायर लेस देन 1/3, तो ये होगा जेड माइनस आई लेस देन 1/√3, ठीक। प्लस माइनस में आएगा, बट माइनस तो नहीं ले सकते क्योंकि मॉड कभी निगेटिव से छोटा नहीं होता, तो ये सिचुएशन आएगा। तो ये हमारा डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस है और यहाँ पर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगा 1/√3, क्लियर है। तो ये भी एक तरीका होता है बनाने, लेकिन मान वापस करना है, वैल्यू लास्ट में पुट करना जरूरी है। अब जैसे यहाँ पर 3n होता तो z माइनस आई होल पावर 3n, तो z माइनस आई का होल क्यूब उसको z मान लेते हैं, ये एक तरीका है, टेक्निक है, क्लियर हो। आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो रहा है। नोट फर्स्ट, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस डेरिवेटिव ऑफ दैट सीरीज, या फिर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ एफ जेड इक्वल्स टू रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ एफ डेज ऑफ जेड। कोई पावर सीरीज दिया हुआ है, पावर सीरीज कन्वर्जेंट है, और वो जो पावर सीरीज है जो कन्वर्ज करता है ना, उनका जो सम फंक्शन होता है उधर ही कन्वर्ज करता है। तो जो सम फंक्शन होता है, या फिर कहना चाहिए लिमिट फंक्शन है, वो एक एनालिटिक फंक्शन होता है, वो है एफ ऑफ जेड। तो समझ लीजिए इनकी जो रेडियस होगी वही रेडियस उनके डेरिवेटिव के लिए भी एप्लीकेबल है। अब इसी कॉन्सेप्ट को आप डबल कर सकते हो, रिपीट कर सकते हो। अब इनकी जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगी वो इनके डेरिवेटिव की होगी, और उस डेरिवेटिव की रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस उसके अगले वाले डेरिवेटिव की होगी। इस तरीके से ये कंटिन्यूटी आप बढ़ा सकते हो, ये खासियत होती है। कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे आप ले लीजिए सीरीज ए एन जेड माइनस वन होल पावर एन, जिसमें से इनकी खासियत ये है कि ये हमारा है ना 1/sin z है। तो ये कैसा पावर सीरीज है, इनका सम 1/sin z है। तो समझ लीजिए कि ये 1/sin z जो है ये हमारा एफ ऑफ जेड है। अब इनका डेरिवेटिव करेंगे तो -1/sin z का होल स्क्वायर होगा, ठीक है, और इनका अलग से जो होगा वो होगा कॉस जेड। अब इस समय भी इसकी जो रेडियस होगी उसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि प्रॉब्लम अभी भी साइन जेड इक्वल टू जीरो पर ही करेगा ना भाई। तो यहाँ पर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ज्यों का त्यों ही निकलता है। तो याद रखिए ROC ऑफ दिस इक्वल टू ROC ऑफ दिस, यहाँ तक किसको और आगे बढ़ा सकते हो। अब ये फाइनल मैं लिखा लास्ट में कि ROC ऑफ रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ एंटायर फंक्शन इज इन्फिनिटी, अनंत इन्फाइनाइट होता है। अब सोचिए कैसे, ये हमारा रेडियस ऑफ कोई भी पावर सीरीज है,
उनका जो सम होता है एक एनालिटिक फंक्शन। एनालिटिक फंक्शन अगर एंटायर फंक्शन का सिचुएशन हो तो उस समय ये जो पावर सीरीज है पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में डिफाइन होगा। ऑब्वियस है कि उस समय डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस जो होगा वो क्या होगा, पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन होगा। तो डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस जब पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन होगा तो डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस ही फंक्शन की क्या होती है, डोमेन होती है, ठीक है ना। तो फंक्शन की डोमेन हुआ पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन। अब इस समय क्या होगा, इस समय रेडियस पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन की जो रेडियस होती है, अब यहाँ आप ऑरिजिन को भी अगर लेते हो तो इधर कितना होगा, इन्फिनिटी, कन्फर्म हुआ ना। तो ये इन्फिनिटी, यही है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आर ओ सी ऑफ एंटायर फंक्शन इज इन्फिनिटी करके, कन्फर्म। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर जरूर हुआ होगा, लेकिन फिर भी किसी भी तरह से डाउट होता बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियोस होगा और भी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होगा, जैसे टेलर एक्सपांसन, लॉरेंट्स एक्सपांसन, इस पर हम बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।